मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के मुख्य घटक मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार पांडे, पश्चिम क्षेत्र बिजली कर्मचारी महासंघ के क्षेत्रीय सचिव भगवान स्वरूप श्रीवास्तव द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत अधिनियम 2021 जो कि विद्युत कंपनी के निजीकरण को बढ़ावा देने हेतु लागू किया जा रहा है, इसके विरुद्ध में संयुक्त मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व में भी अधिशन नियंत्रण के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि केंद्र सरकार द्वारा विद्युत कंपनी का निजीकरण नहीं किया जावे, एक तरफा विद्युत सुधार अधिनियम 2021 संसद में पारित नहीं किया जावे, संविदा कर्मियों का नियमितकरण किया जावे, आउटसोर्स कर्मचारी को विद्युत कंपनियों में संविलीन किया जाए, 45 वर्ष से अधिक तथा कम शैक्षणिक योग्यता वाले आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाए, पुराने से मृत बिजली कर्मियों को पूरा नहीं होता, घोषित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करे तथा आश्रितों को बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए, बिजली कर्मियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए, विगत वर्ष शुरू की गई वेतन वृद्धि अविलंब प्रदान की जाए, विद्युत कर्मियों को लंबित वेतन विसंगति दूर की जाए। साथ ही भारतीय मजदूर महासंघ द्वारा बताया गया था कि उपरोक्त मांगे यदि पूरी नहीं की जाती तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में दिनांक 7/8/2021 को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार एवं दिनांक 13/8/2021 को अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिसके चलते आज धरना प्रदर्शन किया गया। यदि इस बीच उक्त बिल शासन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो मोर्चा उसी दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा। कर्मचारियों के अलग अलग संयुक्त मोर्चा में 17 संगठन है और उनके द्वारा स्ट्राइक की जा रही है कि कंपनी का निजीकरण हो रहा है, तो उस बिल के अगेंस्ट में कर्मचारी अधिकारियों द्वारा स्ट्राइक की जा रही है। उसमें मेनली मांग तो निजीकरण को लेके है कि निजीकरण हो रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है। ठीक है सर, ठीक। केंद्र शासन द्वारा विद्युत क्षेत्र को निजीकरण के हाथों में सौंपने के लिए जो विद्युत अधिनियम 2021 संसद में पारित किया जा रहा है और उसमें न तो उपभोक्ताओं की कोई सलाह ली गई है न कर्मचारी संगठनों की सलाह ली गई है, उसके वह किसी भी हालत में जनता और किसानों के हित में नहीं है और ये सभी के लिए नुकसानदायक है। अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी नुकसानदायक है, उपभोक्ताओं के लिए भी है और किसानों के लिए के बिल में के का भी विरोधी है ये बिल। इसके रोकने के लिए और हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट रखा हुआ है, इसके आंदोलन करा था। 27 जुलाई को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और इसके बाद आज 7 दिसंबर का एक दिवसीय कार्य बहिष्कार का आयोजन किया गया है और यदि सरकार इस पर भी नहीं मानी तो हम 13 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और लेकिन यह जो है अधिनियम पास होने नहीं देंगे और देशव्यापी हड़ताल भी इस विधेयक के विरोध में हो रही है, हम भी उसका साथ देंगे। प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा विधिवत अपने दूसरे चरण के आंदोलन में आज 7/8/2021 को पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक वितरण केंद्र, प्रत्येक सब स्टेशन और प्रत्येक जिले स्तर पर जो मुख्यालय है वहाँ के सभी कर्मचारी और अधिकारी आंदोलनरत हैं और हम लोगों ने इसमें जो फ्यूज कॉल अटेंड नहीं करना, शिकायतें नहीं, उपभोक्ताओं की शिकायतें नहीं दूर की जाएगी और राजस्व कलेक्शन जो बिल जमा नहीं किए जाएंगे इसको लेकर पूरा हम लोगों ने 9 बजे से 5 बजे तक आज आंदोलन किया है। यदि इसके बाद भी मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन यदि हमारी बात नहीं सुनती है तो 13 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, उसके बाद से हो सकता है कि पूरा देश अंधकारमय हो जाए। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।